कस्टमर को कैसे ऐड करना है ये हम देखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए आपका नोटबुक, जिसपे आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपके कस्टमर के नाम होंगे, कस्टमर के पास कितना बैलेंस जा रहा है, कितना बैलेंस पेमेंट है, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कस्टमर को एक जार के लिए कितना रेट है, वो सारी चीजें आपके नोटबुक पे मेंशन होती है। वो नोटबुक यहाँ मैंने ले रखी है। अब हम करने जा रहे हैं एक एक कस्टमर को ऐड। तो कस्टमर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो मेनू बार है उसमें प्लस बटन है, प्लस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पहले डालना है कस्टमर का नाम, उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, पिक एड्रेस पे कस्टमर जहां लोकेटेड है उसका एड्रेस पहले लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब आपका डिलीवरी बॉय चेंज हो जाता है तो वो गूगल का लोकेशन आपके ऐप में सेव होता है, तो बार बार डिलीवरी बॉय को आपको गाइड करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो गूगल मैप का लोकेशन है वो आप केयरफुली भरिए। जैसे आपने गूगल मैप का लोकेशन लिया, वो लोकेशन यहाँ ऐड हो गया और उस एड्रेस को आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ग्रुप, यानी कि एक कस्टमर कौन से ग्रुप में है, ओनर यानी कि आपके खुद के ग्रुप में है या आपने किसी डिलीवरी बॉय के ग्रुप में उसको ऐड किया है। तो मैंने यहाँ उसको अपने ही ग्रुप में रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, 18 लीटर जार अगर उसको डिलीवर करते हो तो 18 लीटर जार सिलेक्ट करना है, अगर 20 लीटर जार डिलीवर करते हो तो 20 लीटर जार सिलेक्ट करना है, बराबर। दोनों भी प्रोडक्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हो। वो कैसे, देखिए अब 18 लीटर मैंने सिलेक्ट किया, उसका रेट मान लीजिए मेरा 40 रुपीज है। अब उसके पास मेरा बैलेंस जार कितना है, 18 लीटर के कुल जार मान लीजिए 3 है, बराबर। डिस्पेंसर उसको दिया है क्या, नहीं दिया है, बराबर। अब उसके पास जार का डिपॉजिट कितना है, 500 रुपीज मैंने उसका डिपॉजिट लिया है। और उसके पास आपका बैलेंस पेमेंट कितना है, यानी कि समझो पिछले मंथ का कुछ बैलेंस पेमेंट है, आज तक का बैलेंस पेमेंट मान लीजिए 1200 रुपये है, तो मैंने ऐड किया। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यू एडेड 18 लीटर जार टू MRF टायर, बराबर। एक प्रोडक्ट आपका ऐड हो चुका है, उसका रेट देखिए यहाँ पे 40 रुपीज दिखा रहा है, बैलेंस जार 3 दिखा रहा है। अगर आप उसको दूसरा भी जार देते हो तो ऐड अनदर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, अगर नहीं देते हो तो स्किप करना है। मैं ऐड अनदर प्रोडक्ट करता हूँ, तो अभी 20 लीटर जार यहाँ ऐड कर सकते हैं। 20 लीटर जार का रेट मान लीजिए उसका 30 रुपीज है और पिछला बैलेंस जार है उसके पास वो है 2, डिस्पेंसर मैंने उसको 2 दिए है क्योंकि 20 लीटर जार के साथ डिस्पेंसर भी आता है, छोटी वाली हंडी होती है उसको हम डिस्पेंसर बोलते हैं, तो वो डिस्पेंसर यहाँ ऐड करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लीजिए मैंने 300 रुपये लिया है। जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो कस्टमर सक्सेसफुली ऐड होता है और वो सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर के अगेंस्ट मैंने यहाँ ऐड की है वो सारी डिटेल कस्टमर के व्हाट्सएप पे तुरंत चली जाती है, आप उसको व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो।